वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 9th साइंस दैट इज वेरी फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग. सो इन प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर देखा था. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड दोज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. सो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के बाद वी हैव रियलाइज दैट कि जो मैटर है वो पार्टिकल के बिना अधूरा है. अगर पार्टिकल नहीं होंगे तो मैटर बनेगा ही नहीं, तो क्यों ना ये पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जाए. तो इन टुडेज लेक्चर विल स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल. तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मैटर टोटल यू हैव टू लर्न 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम लोग यहाँ पे बारी बारी कवर करेंगे, उसके साथ साथ मैं थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊंगा ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए. एंड टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे एक्टिविटीज ऑलरेडी दिए हुए हैं तो वो आप देख सकते हो. सो इन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट इट सेज, पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अब सपोज मेरे पास कोई भी एक मैटर है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स है छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बिल्कुल आपकी तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स है. तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है. तो आप बोलोगे सर ये मेरे हाथ में जो फोन है या मेरे घर का जो टीवी है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है? अगर उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो लफड़ा है. तो मेरा ये जो मोबाइल है और जो टीवी है वो भी पार्टिकल फॉर्म में होना चाहिए था. नहीं स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है, अगर आपका स्टेट डिफरेंट है, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो अगर स्टेट अलग है तो उसके हिसाब से स्पेसिंग भी अलग अलग है. सो फॉर टाइम बीइंग नाउ आप इतना याद रख लो स्टूडेंट्स दैट पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं. तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पे क्लियर वाटर लिया हुआ है. अब ये जो वाटर है ये भी पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है स्टूडेंट्स. अब ये एक टाइप का मैटर है. अब मैं दूसरा मैटर ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये खट्टा खट्टा और मस्त नींबू है. तो इसको मैंने क्या कर दिया, जो लेमन वाटर था उसको मैं अभी अंदर स्क्वीज करके डाल रहा हूं. राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया है, यहां पे लेमन जो लेमन वाटर था वाटर के अंदर हम लोग ने लेमन थोड़ा मिक्स कर दिया है. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करने वाला हूं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो. तो ये थोड़ी सी मैंने क्या कर दी है, शुगर ऐड कर दिए है. ठीक है, तो और इसके अंदर अभी और क्या जाने वाला है, थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा नमक ले लेते हैं शुगर. तो मैंने क्या कर दिया, अभी इसमें से नमक लेने डाल रहा हूं, वो सॉल्ट वाले जैसा डालू स्टाइल से. तो ये मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट है. तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने वाला हूं. थोड़ा बेटर रिजल्ट के लिए आपको अच्छे से इसको स्टेयर करना पड़ेगा, इसको शायद टाइम लग सकता है. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इसके अंदर अच्छे से मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है. यहां पे इसके अंदर क्या क्या डाला है हमने, वाटर लेमन सॉल्ट एंड शुगर, इसको अच्छे से मिक्स किया स्टूडेंट्स. देखो तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखोगे तो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया. इसमें से हम ऐसे नहीं बता सकते कि इधर ये रहा ये लेमन वाटर, ये रहा
ये क्लियर वाटर ये रहा, ये शुगर इधर दिख रही है, ये सॉल्ट इधर दिख रहा है, हो सकता है स्टूडेंट्स? नहीं हो सकता। अब मैं तो कोई जादूगर हूं नहीं, मैं मैजिशियन तो हूं नहीं कि सर ने तो सॉल्ट डाला शुगर डाला गायब हो गया। नो, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि व्हेन यू आर मेकिंग दिस इज व्हाट, हम लोग ने क्या बनाया, ये हम लोग ने बनाया लेमनेड, नींबू पानी, मजा आ गया। तो ये नींबू पानी हम लोग ने बनाया है, इसमें सारा का सारा सब कुछ मिक्स हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जो शुगर क्रिस्टल थे, जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स थे, जो लेमन के ड्रॉपलेट्स थे, वो कहां गए? वो पानी के साथ मिक्स हो गए। इसका मतलब पानी के जो क्रिस्टल थे उसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर स्पेस थी, क्या थी, थोड़ी बहुत जगह थी। वो जगह में कौन जाके बैठ गए, सॉल्ट बैठ गया, शुगर क्रिस्टल बैठ गए, लेमन वाटर बैठ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझा। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इजी, पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये लेमनेड के साथ साथ हम चाय बनाते हैं, हम कोई दूसरा और शरबत बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स क्यों होगा, क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। शुगर, सॉल्ट, डेटॉल कैन बी इवनली डिजोल्व इन वाटर, ये हम इवनली वाटर में डिजोल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लेमन वाटर था उसमें जो ऊपर का आप ड्रॉप लोगे तो लेमन का टेस्ट नहीं आएगा, या शुगर का टेस्ट नहीं आएगा, या सॉल्ट का टेस्ट नहीं आएगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसका मतलब इवनली स्प्रेड होंगे, इसका मतलब हर एक जगह पे कुछ ना कुछ स्पेस है। सेकेंड थिंग, पार्टिकल जस्ट गेट इन टू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर, मतलब वॉटर एक पार्टिकल था, वॉटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स थे, उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स आए, उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स आए, उसके अंदर लेमन वाटर के पार्टिकल्स आए। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एक्टिविटी से क्लियर होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जगह है, इसके लिए मिक्स हो जाते हैं। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं बच्चे लोग, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूअस। पार्टिकल ऑफ अ मैटर क्या है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है। अब इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है नहीं, कंटिन्यूअस मूव करते हैं, हाँ कंटिन्यूअस मूव करते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब इसका मतलब क्या, आप बोलोगे सर पार्टिकल मूव करते हैं तो मैटर भी मूव करना चाहिए। अगेन मैंने आपको बोला था कि वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब उसके लिए भी मेरे पास एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। अब ये है मेरे पास इंसेंस स्टिक, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगरबत्ती बोलते हैं, है ना, भगवान के सामने करते ना, पास करा दे पास करा दे, आज वो मुझे हाँ बोल दे हाँ बोल दे, है ना, उसको प्यार, उसके प्यार में मुझे पागल कर दे पागल कर दे, ऐसे बोलते हैं। तो ये इंसेंस स्टिक है, अगर मैं इसको एक कोने में रख दूंगा तो इसका स्मेल आएगा, ऐसे ही मैं इसको लाइट नहीं करूंगा, इसका स्मेल आएगा स्टूडेंट्स, नहीं आएगा। बट अगर मैं इसको बर्न करता हूं, इसको मैं लाइट करता हूं, तो इसका स्मेल जो है, अगर आप इसको एक कोने में रख दोगे तो भी दूसरे कोने तक वो हम लोग को स्मेल देगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, देखो है ना, ये गैसियस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ये बाद में हम लोग आएंगे स्टेट पे, ये एक्सपेरिमेंट याद रखना, पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगेन अब वो मूव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो द पार्टिकल्स मूविंग कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स, अगर आपको कंटिन्यूसली मोशन में रहना है, मूवमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई तो एनर्जी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है या स्कूल जाना है, ऐसा हम लोग ने बोलते हैं ना, अरे आज तो एनर्जी नहीं बचा सर, आज होमवर्क नहीं किया सर, एनर्जी नहीं था होमवर्क करने का, थक गया था, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। तो वैसे ही अगर आपको कुछ भी मूवमेंट करना है तो यू नीड एनर्जी। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए स्टूडेंट्स के, सर ये काइनेटिक, ये जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूस मूव तो करते हैं सर, लेकिन इनको मूव कौन करवाता है, इनको मैं जाके धक्का मारता हूं जा जा जा, नहीं, ये अपने आप मूव होते हैं। इसका मतलब उनके पास कोई तो एनर्जी रहेगी, कोई तो स्टोर्ड एनर्जी रहेगी, यस स्टूडेंट्स। तो ये जो एनर्जी है
उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? काइनेटिक. काइनेटिक मीन्स मूव, टू मूव, स्पीड में जाना, एनर्जी इसको बोलते हैं. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है उनके वो जो है कंटिन्यूस मूव करते हैं. पर कंटिन्यूस मूव क्यों करेंगे? उनके पास एनर्जी है इसके लिए मूव करेंगे. तो उनके पास कौन सा एनर्जी है स्टूडेंट्स? उनके पास काइनेटिक एनर्जी है. अब ये काइनेटिक एनर्जी का फंडा एकदम सही है. अब इतना याद रख लेना कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल भी राइज होगा. कैसे? अब आप एक इजी एक्सपेरिमेंट करो स्टूडेंट्स. आप क्या करो पता है? आप घर पे हो राइट, आप अलग अलग दो ग्लास में पानी ले लो. एक ग्लास में आप ठंडा पानी लेना, दूसरे ग्लास में आप गर्म पानी लेना और आप खाली ऑब्जर्व करना. आप उसमें क्या करोगे स्टूडेंट्स? आप इंक, पता है आपको, इंक ले सकते हो, आप पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो, आप CuSO4 ले सकते हो जो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट, तो जो भी कोई भी कलर की चीज है वो ले लो. अब आप उन दोनों को जब कंपेयर करोगे उन दोनों में आप ड्रॉप ड्रॉप डाल दो, सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉप डालोगे. अब आप ऑब्जर्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो जो गर्म पानी था ना उसमें जो कलर है वो फटाफट मिक्सिंग हो जाएगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में मिक्स होगा नो डाउट, बट एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर हॉट वाटर में ज्यादा मिक्सिंग होगा या अच्छे से स्प्रेड होगा और फटाफट स्प्रेड होगा. टाइम एक फैक्टर है, फटाफट कंप्लीट होगा टास्क. तो टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल भी बढ़ता है. आप इसके बदले सॉल्ट और शुगर का भी यूज कर सकते हो. आप देखोगे तो गर्म जो रहता है उसके अंदर, पानी के अंदर फटाफट शुगर मिक्स होता है. ये एक्टिविटी भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स. तो टेम्परेचर का जो फंडा है वो एकदम इजी है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. अब आपका भी ऐसे, मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा मैं गुस्सा करूंगा तो आपका भी काम फटाफट आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इफ टेम्परेचर राइजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइजेस. तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एक्टिविटीज हम लोग ने देखे, परफॉर्म भी किए. तो याद रखना पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह होती है. जैसे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो अगर किसी और फ्रेंड को एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, है ना. और उसमें लेमोनेड का एग्जाम्पल याद रखना, टी का एग्जाम्पल याद रखना, शरबत का एग्जाम्पल याद रखना. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पार्टिकल क्या करता है? कंटिन्यूअस मूव करता है. तो आपका मोबाइल मूव करेगा? नहीं. एज आई टोल्ड यू, स्टेट पे डिपेंड करेगा, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उस पर हम बाद में आएंगे. करेक्ट? उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको इंसेंस स्टिक का. स्टिक को एक रूम में रखोगे तो स्मेल नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही उसको लाइट करोगे और एक कोने में रखोगे तो भी आपको दूसरे रूम तक उसका स्मेल आएगा. ऐसा क्यों हुआ? आपके घर में हवा ज्यादा चल रही है, बॉलीवुड सीन चल रहा है, नहीं कोई फूक मार रहा है, नहीं बे. तो ये क्या होता है? पार्टिकल्स अपने आप मूव करते हैं स्टूडेंट्स. अब वो मूव कैसे करेंगे? कोई धक्का मारेगा, है ना, कोई धक्का मारेगा? नहीं. इनके पास एक एनर्जी होती है जिसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी. तो दे हैव गॉट काइनेटिक एनर्जी, बाय डिफॉल्ट उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स. तो वो काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करते हैं? मूव करते हैं. और काइनेटिक एनर्जी की खासियत क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा. एग्जाम नजदीक आया, हम भी एक काम पे लग गए, है ना. सर का गुस्सा बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो आप लोगों बच्चों का भी काम अच्छे से होने लगा. तो ये एग्जाम्पल है, हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का. तो ये स्टूडेंट्स दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. We have to see third characteristics of a particle of a matter. But before starting with that, हम लोग previous characteristics में क्या सीखे थे students? Particles have a space between them so that जो mixing होता है lemon water बना सकते हैं, lemonade बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, अच्छे से सारी चीजें mix हो जाती हैं. क्यों mix होती हैं? क्योंकि space होती है. Second characteristics we have seen that the particles ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. घूमते रहते पूरा मुलुंड घूमते रहेंगे. काइनेटिक एनर्जी उनके पास, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. अब जो
मैंने एग्जाम्पल लिया था कि पार्टिकल कंटिन्यूस मूव करते हैं, तो उसमें मैंने अगरबत्ती इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने उसको लाइट किया, क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स थे गैसियस पार्टिकल, वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो गए। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग जो हमारे स्टेट होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन है वो केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन है, बायोलॉजी में भी एक डिफ्यूजन है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे वो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स से गैशियस वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गए और उसने डिस्टेंस अच्छा खासा ट्रेवल किया था, तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने लेमन वाटर बनाया था, उसमें लेमन अच्छे तरह अपने से मिक्स हो गया, सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो गया, तो ये जो इंटरमिक्सिंग है स्टूडेंट्स, सो इंटरमिक्सिंग किसका, टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, दो अलग अलग पार्टिकल लिए हमने, वाटर पार्टिकल लिया था, सॉल्ट पार्टिकल लिया था, शुगर पार्टिकल लिया था, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ दोस पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप स्टूडेंट्स, मैंने तो कोई शाका लाका बूम बूम जैसा कुछ जादू नहीं घुमाया था, आई एम नॉट अ मैजिशियन। तो स्टूडेंट्स इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैटर, ठीक है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई होप डिफ्यूजन क्लियर है, छोटा सा डेफिनेशन था जो सीखना था। नाउ लेट अस मूव टू पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बट इसके पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन का एकदम मस्त एग्जाम्पल देता हूं। अगर आजू बाजू के किसी घर में गरम गरम वड़ा पाव, गरम गरम भजी, मैगी बन रही हो, तो तुम्हारे घर तक स्मेल आता है कि नहीं आता, राइट? तो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इंटरमिक्स हो जाते हैं अलग अलग पार्टिकल, गैशियस पार्टिकल एटमोस्फियर में। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बोलता है, कि पार्टिकल है ना वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दू तो यहां पे सपोज ये मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एग्जाम्पल, तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑब्वियस है, आप बोलेंगे हम लोग ने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि पार्टिकल हैव अ स्पेस बिटवीन देम, लेकिन हमारा टीवी या हमारा जो मोबाइल था वो क्या था, वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं था। क्यों नहीं था, बिकॉज पार्टिकल ने क्या कर रखा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है, एक दूसरे को जोड़ के रखा है। तो इससे प्रूफ क्या होता है, पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगेन दिस पार्टिकल जो है दे आर अट्रैक्टेड बाय ईच अदर विथ सम फोर्स, ऑब्वियस है कुछ फोर्स होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे थोड़ी पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। तो वो जो फोर्स है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटर मतलब अंदर का, मॉलिकुलर मतलब पार्टिकल, इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपका जो फोन है वो एक, उसको एक शेप है, आपका टीवी है उसको शेप है, और बाकी के जितने भी मैटर है जिसको परफेक्ट शेप है, दोज हैव द ग्रेटेस्ट फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। अब इसमें आता है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स है कि कितना अट्रैक्ट होगा, कितना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। तो आप दिमाग लगाना स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास तीन स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इन तीनों में से किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और किसमें सबसे लीस्ट अट्रैक्शन होगा, स्टूडेंट दिमाग की बत्ती जलाना और मुझे आंसर करना कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो क्लिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस वॉज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
अब और एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। सपोज मेरे पास चौक है, रबर बैंड है और एक सपोज नेल है, खिल्ली छोटी सी नेल। तो अब जो तीन मेरे पास चीजें हैं उसमें से अगर मैं आपको बोलता हूं कि इन तीनों को आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो कौन सी जल्दी टूटेगी? यस स्टूडेंट्स, चौक। चौक तो फटाफट तोड़ सकता हूं मैं, है ना, इजीली क्या कर सकते हैं, चौक को तोड़ सकते हैं। रबर है, रबर को थोड़ा ज्यादा फोर्स रखा होगा, इलास्टिसिटी है उसके अंदर, तो वो टूट जाएगा, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, रबर टूट जाएगा। लेकिन नेल को आप हाथ से तोड़ोगे क्या? ब्रूसली हो क्या? नहीं ना, हाथ से कैसे तोड़ेंगे? नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्यों हो रहा है अलग अलग मैटर के साथ? इसका मतलब जो नेल था उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? ज्यादा था एज कंपेयर टू अदर टू। चौक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। तो आई होप आपको समझा है आज का लेक्चर। बाकी का स्टेट ऑफ जो मैटर है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।